मेंस्ट्रुएशन साइकिल मींस पीरियड्स। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, परंतु हमारे समाज में पीरियड्स के प्रति बहुत ही हीन भावना रखी जाती है। लेकिन समय के साथ साथ कई लोगों के सहयोग से ये विचारधारा भी बदली है, और आज हमारे साथ हैं उनमें से ही एक, रश्मि शाह, हु इज नोन एज रियल लाइफ पैडुमैन, अ वेरी पावरफुल वुमेन एंड अ वेरी रिफ्रेशिंग वॉइस। सो मीट रश्मि शाह। नमस्कार, मैं रश्मि शाह। माय प्रोफेशन एक लाइफ कोच हूँ, काउंसलर, थेरेपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर जो कह लें आप। फाउंडर हूँ मुक्ति मिशन के एक एनजीओ जो कि काम करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। टेडेक्स स्पीकर हूँ, रेक्स कैरम्बीर अवार्डी हूँ, और ऐसे छोटे छोटे कुछ चीज़ों को हासिल किया है मैंने जिंदगी में आप सबके सपोर्ट से, आप सबके प्यार से। और यहाँ पर आज बात मेरी नहीं, बात उस जगह की है, मैं जहाँ पली बड़ी, जहाँ के संस्कार, जहाँ की यादें, जहाँ की बातें, जहाँ की सीख, जहाँ के लेसन, जहाँ के एक्सपीरियंस ने हर दिन ना कि मुझे सिर्फ मोटिवेट किया है, मुझे एनकरेज किया है और मुझे बताया है कि रश्मि, तुम जहाँ से आती हो वहाँ पर जो तुम्हें सीख दी जाती है उस माहौल में उन लोगों के बीच, वो तुम्हें हारना कभी नहीं सिखाती, वो तुम्हें कभी टूटना नहीं सिखाती, वो तुम्हें डरना नहीं सिखाती है, वो तुम्हें सिखाती है तो बस एक चीज कि मिट्टी के हो, मिट्टी से मिलके रहो और आसमान को छू। जो प्यार लोगों से मिला, जो सीख अपने टीचर से, अपने आसपास के लोगों से, अपने बड़ों से मिली, हर स्टेप में, लाइफ के हर स्टेप में उसने कहीं ना कहीं मुझे गाइड किया है, मुझे रास्ता दिखाया है और खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ली है। और आज हम बात करेंगे उसी जगह की, सिंगरौली, और वहाँ से मैं किस तरीके से जुड़ी भी। हम सब जानते हैं कि सिंगरौली में काफ़ी हद तक लोग पढ़कर एक वक्त तक एजुकेशन लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। वैसे कुछ मैंने भी किया। आज भी जब हम लोग सिंगरौली के लोगों से मिलते हैं तो वो अपनापन बाहर वैसे ही निकलता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत एनरिचिंग जगह है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शायद अगर मैं सिंगरौली में नहीं पली बड़ी होती तो आज के वक्त में मैं जितना क्लेम कर सकती हूँ कि उस लाइफस्टाइल ने मुझे सिखाया है, शायद नहीं होता, क्योंकि शहरों का कल्चर हम लोग देख रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। लोग अलग होते हैं, छटके हुए होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता। पर सिंगरौली का ये जो चीज़ था, सिंगरौली का जो ये मैजिक था, वो आई थिंक हम सब की अपब्रिंगिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ ने, जो सोशल कनेक्ट हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से लोगों से जुड़ के रहना है, किस तरीके से आपके आसपास के लोग आपके लिए मायने रखते हैं, किस तरीके से आप लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। आई ग्रो अप इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, और इस चीज़ ने शायद बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस चीज़ ने हमें तौर तरीके से जीना सिखाया है। एक बात कहना चाहूँगी, जो भी बच्चे या जो भी दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो भी देखेंगे, मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आप अगर सिंगरौली से हैं और आज भी वहाँ पर हैं और आप आगे की तरफ अपनी ज़िंदगी को एक रुख देना चाहते हैं, मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा बेटर अपब्रिंगिंग आपको शायद शहरों में ना मिले। And I take immense pride when I see this. Immense pride. वो एक perfect balance है एक शहरी culture का। आपके पास opportunities है, opportunities as in आपके पास resources available हैं, पैसा है, लोग हैं, शौक है, और उसी के साथ साथ ये इतना बड़ा area नहीं है, ये इतना फैला हुआ नहीं है जहाँ आप अपने आप को खो देंगे। आप फिर भी ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जहाँ पर आपको वो कुशनिंग जैसा फील होगा, एक प्रोटेक्शन फील होगा, क्योंकि आप अपने लोगों के बीच में हैं, और ये चीज़ आपकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंगरौली लोग पहचाने
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं अपने आने वाले जनरेशंस के लिए, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आई वुड वांट टू टेल यू, यू नो, अगर सिंगरौली को कोई नहीं जानता है तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दैट, रादर यू शुड ट्राई टू गेट अ नेम फॉर सिंगरौली। आप ऐसा कुछ कीजिए कि सिंगरौली आपके नाम से जाना जाए। और इसी बात पे मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी धनंजय और की पूरी टीम का कि उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को सबके सामने लाया जहाँ पर सिंगरौली, जो शायद ज्योग्राफिकली लोगों को नहीं पता होगा, उन लोगों को सिंगरौली से कनेक्ट करने के लिए, उन लोगों से जोड़ना जिन्होंने सिंगरौली का नाम शायद बाहर तक पहुँचाया है या ज्यादा लोगों तक पहुँचा है, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करने का जो आप काम कर रहे हैं धनंजय, दैट्स वेरी 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 नाइस एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, कीप डूइंग दिस। मेरा गाइडेंस आप सबके साथ है, जिस किसी को भी कभी ऐसा लगे कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, दे नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसी आशा के साथ आई विल टेक योर लीव। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हों, सेफ हों और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएगा। गुड वाइब्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, बाय बाय। We really glad to have you here. Thank you so much, ma'am. So guys, keep watching our show for more videos. Thank you. Please like, share and subscribe the channel.